अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन इकराम, खुशकिस्मती से जी एक खूबसूरत सफ़र अल्लाह मियाँ ने मुकद्दर में लिख दिया। मैं जा रहा हूँ उमरा करने के लिए और इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त वेट हो रहा है जनाब अपनी फ़्लाइट का। 2:45 इसका टाइम था लेकिन अभी पता चला है जी कि जहाज़ उड़ेगा 4:45, तो बहुत लंबा इंतज़ार। 12 बजे का मैं इधर आया हूँ तो ये आपको मेरे साथ एक मुसाफिर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, सलमान नाम है इनका, ये सवाबी के रहने वाले हैं। तो बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, इन्होंने बताया जी कि मैं आपका व्यूअर भी हूँ और ख़ासकर वो जो कटहल की वीडियो है वो देख के ये मुतासर हुए हैं, जैक फ्रूट वाली, क्यों जी सलमान भाई? सही, बिल्कुल सही। तो बड़ी माशाल्लाह नफीस शख्सियत हैं, थोड़ी देर में ही अच्छा लगा इनसे गपशप करके। तो सफ़र हमारा शुरू होगा जी 4:45, देखते हैं। एहराम देखिए मैंने बांधा हुआ है और इधर पहुंच के इजीली आप एहराम बांध सकते हैं, जगह बनी हुई है, वुज़ू करें आप, एहराम बांधें, नवाफिल अदा करें, उसके बाद आप इंतज़ार करें। लेकिन इस इंतज़ार की कोई मुझे थकान नहीं हो रही ज़रा बराबर भी, ये खुशी है बहुत ही कहने के ऐसी खुशी कि जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि अल्लाह के घर जा रहे हैं। बहुत ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की कि वो ज़िंदगी में एक दफ़ा जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश पूरी की और मैं इंशाल्लाह जी जाऊंगा और वहाँ इबादत भी करेंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी लेके जाए, अपने मुल्क के लिए दुआ करूंगा, अपने पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला इस पे रहम करे। तो जी सलमान भाई आप कुछ कहेंगे जनाब? बस मैं अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, आपका आना जाना दोनों कबूल करे, आपके लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, आमीन, और पूरी उम्मत के लिए आप खुश रखे, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलें जी अब वेट करते हैं, लेट्स सी कब हमें अनाउंसमेंट होती है, फिर हम चलते हैं। नाज़रीन अकराम, इस वक्त मैं मक्का में हूँ, हरम के बिल्कुल पास, मस्जिद अल हराम के बिल्कुल पास। कल मैं पहुँचा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की सआदत नसीब हुई, अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाया। और यहाँ जब आप आते हैं तो आपकी फीलिंग दुनिया से बिल्कुल चेंज हो जाया करती है। कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, पूरी कोशिश की, आपके लिए भी दुआ करूँ, अपने लिए भी करूँ, बहुत बड़ी सआदत है मेरे लिए। और इस वक्त जोहर की नमाज़ अदा की और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मक्का की गलियों में घूम फिर रहे हैं, बहुत सुकून मिल रहा है। दुनिया जहान के लोग इधर हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, हर रंग व नस्ल के। जिस तरह हमारे इस्लाम का दूसरा इम्तियाज़ है कि इस मज़हब में आपको हर रंग हर नस्ल के लोग आपको दिखाई देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्की के, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रॉम एवरीवेयर। अभी मैं घूम फिर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मक्का सिटी को। मतलब
सिम परचेज करूंगा, इनका नाम है हिसाम। हिसाम पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, मैं इनसे परचेज करूंगा जी 4GB डेटा है और 50 मिनट 2 वीक्स के लिए। दो हफ्ता है ना? 15 दिन। वो माशाल्लाह जी, उर्दू भी जानते हैं? आर यू फ्रॉम सऊदी अरेबिया? ओके, ये जी लोकल हैं जी यहाँ के। और कितने पैसे चार्ज करेंगे आप? 25 रियाल। ओके 35 रियाल की एक सिम मैं इनसे खरीद रहा हूँ जी, और कंपनी है ज़ैन। कैसी है ये कंपनी? अच्छा, देखिए जी, मैं हैरान हुआ माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा ये दोनों भाई हैं जी, ये देखें माशाल्लाह। चलें जी, दे दें जी सिम मुझे। अच्छा, पहले आपसे ये मांगेंगे वीज़ा मैंने इनको दे दिया, वीज़ा और पासपोर्ट वो स्कैन करेंगे, उसके बाद फिर आपने ये थंब इंप्रेशन लेना है, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, उसके बाद ये हमें इशू कर देंगे। 5 GB, 15 GB, 5 GB, 10 GB, 5 GB, 15 GB. माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, इन्होंने कहा जी कि आप मीठा लें। व्हाट इज दिस? ओके, चॉकलेट। ये जी, इन्होंने मुझे कहा जी कि आप चॉकलेट भी लें और मिठाई भी लें। थैंक यू वेरी मच। असलम भाई, क्या कहेंगे जी आप पाकिस्तान के बारे में? जिंदाबाद। चले, आप मेरे नाज़रीन को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर पिता चैनल। थैंक यू वेरी मच।